नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। खेत में लगी आग, देख दौड़ पड़ी स्मृति ईरानी, हैंडपंप चलाकर की मदद। लोकसभा चुनाव में अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार राहुल गांधी को पटखनी देने के लिए स्मृति ईरानी अपना पूरा दमखल लगा रही है। रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान पूरब द्वारा गांव के एक खेत में अचानक आग लग गई। स्मृति ईरानी वहां मौजूद थी। उन्होंने समय न गवाते हुए तुरंत हैंडपंप से पानी निकालना शुरू कर दिया। स्मृति को पानी निकालते देख बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई, जिसने आग बुझाने में मदद की। जब ये सब कुछ चल रहा था, तब स्मृति गांव वालों के साथ खड़ी नजर आई और वो आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। स्मृति ईरानी धुएं के बीच में गई और उन्होंने सभी बच्चों को पीछे आने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, वोटर से की मतदान की अपील। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के वोट डाले जा रहे हैं। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीट पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 2/3 पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चौथे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर्स से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने चौथे चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले ट्वीट किया कि आम चुनाव का एक और चरण आज शुरू हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके यहां आज वोटिंग है, वे जरूर मतदान करेंगे। इसके अलावा पहले 3 फेज के मतदान का वोटिंग रिकॉर्ड भी टूटेगा। कांग्रेस नेता गाजी के घर पर हमला, बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। साउथ दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में देर रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड गोलियां चलाई। स्थानीय कांग्रेस नेता पीड़ित फिरोज गाजी का कहना है कि वो अपने घर से अस्पताल किसी से मिलने के लिए गए थे, तभी उनके घर से उनकी माँ का फोन आया कि घर के बाहर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जहां पहले से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पीड़ित ने पिता से बताया कि रविवार की रात बाइक सवार 3 बदमाश नकाब पहने हुए थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।